any student. Student, today we are going to start industrial preparation of alcohol. कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, कि हम एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्की, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्की. हाइड्रेशन का मीनिंग स्टूडेंट सबको पता है कि हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है. हाइड्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ वॉटर. ठीक है, यानी कि अगर हम इसको हाइड्रेट करेंगे तो OH ग्रुप जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा. अब हाइड्रेशन स्टूडेंट होगा कैसे? वॉटर की एडिशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में. ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपने एल्कीन ले लिया, आपने यहाँ पर इथीन लिया. ठीक है, इथीन में किसका एडिशन किया? वॉटर का आप यहाँ पर एडिशन करेंगे. अब आप वॉटर का एडिशन करें किसके प्रेजेंस में? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड. अब स्टूडेंट ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो H है, ठीक है, एक H तो इसके पास आ जाएगा, क्योंकि जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो इसको एक H की रिक्वायरमेंट होगी, और जो OH बचेगा वो किसके पास आ जाएगा? CH2 के पास आ जाएगा. ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या बनेगा? CH3CH2OH. इसको हम क्या कहते हैं? इथेनॉल. क्या कहेंगे हम इसको? इथेनॉल. यहाँ पर जो फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ है? इथेनॉल. यानी कि इथीन में जब हमने क्या किया, वॉटर की एडिशन की, किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. तो आप हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट, जब भी आप वॉटर की एडिशन करते हैं तो वॉटर की एडिशन करने का मतलब है कि वहां से हमें क्या मिल रहा है? OH ग्रुप आप आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ वॉटर. तो आपने H2O ऐड किया, लेकिन यहाँ पर जो है हमें H2SO4 भी चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए. तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? इथेन टू इथेनॉल. जब आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि जब आपसे कन्वर्जन में क्वेश्चन अराइज होंगे, कन्वर्जन में, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा कन्वर्ट इथीन इंटू इथेनॉल, तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी फर्स्ट जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. अब सेकेंड स्टूडेंट देखिए, सेकेंड हम बात कर रहे हैं. अब देखो स्टूडेंट, ये आपको पता कि अगर हम फर्मेंटेशन कर दें कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करें? फर्मेंटेट कर दें. स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हमारे पास क्या है? शुगर है. क्या है? शुगर है. तो स्टूडेंट आपको पता है कि शुगर से एल्कोहल बनाया जाता है. सबको पता है कि केन शुगर जो होता है, गन्ने का जो हमारे पास रस होता है, उससे क्या बनाया जाता है? पहले उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको जो है फर्मेंटेट किया जाता है. फर्मेंटेशन के बाद जो है ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? उसमें एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो है किसकी फॉर्म में हमें मिलता है? ये सुक्रोज की फॉर्म में, C12H22O11, जिसका फॉर्मूला होता है, ये क्या है? सुक्रोज है. हम क्या करते हैं? वॉटर ऐड कर देते हैं इसके अंदर. और यहाँ पर कौन से एंजाइम होते हैं? इन्वर्टेज. कौन से एंजाइम होते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं जो सुक्रोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज. किसमें कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और जो फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है C6H12. तो यानी कि जब हमने सुक्रोज में वॉटर की एडिशन की, किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम. अब इसके ऊपर इन्वर्टेज एंजाइम काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो, किसमें चेंज हो गया? ग्लूकोज में. किसमें चेंज हुआ? ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज. किसमें चेंज हुआ स्टूडेंट? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. अब आपने क्या किया? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 लिया आपने, दैट इज अ ग्लूकोज. अब यहाँ पर क्या होगा? आप ग्लूकोज को फर्मेंटेट कर देंगे. अब जब आप फर्मेंटेट करेंगे तो यानी कि वहां पर कौन सा एंजाइम होगा? जाइमेज एंजाइम. कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? जाइमेज एंजाइम एक्ट करेगा, और ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आया स्टूडेंट? और कार्बन डाइऑक्साइड टू
होती है, एनएरोबिक प्रोसेस होता है, और ये जो है एयर की प्रेजेंस में नहीं होता है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर में जो है ये होता है। तो यानी कि जब ग्लूकोज को फर्मेंटेट किया जाता है, फर्मेंटेशन स्टूडेंट जो है एब्सेंस ऑफ एयर होता है, टोटली इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है। तो यानी कि वहां पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए या इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए, वो कौन सा एंजाइम होते हैं? जाइमेज एंजाइम होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सुक्रोज को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा तो कौन से एंजाइम होंगे? इन्वर्टेज एंजाइम होंगे। जब ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज किया जाएगा तो कौन से एंजाइम होंगे? जाइमेज एंजाइम होंगे। तो आप यहाँ से सुक्रोज से इथेनॉल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन अराइज हो सकता है कन्वर्ट सुक्रोज इंटू इथेनॉल, और ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि विच एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू ग्लूकोज, कि शुगर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम है? तो इन्वर्टेज एंजाइम है। ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम है? जाइमेज एंजाइम है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? सबको समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, सेकंड प्रिपरेशन है इसकी एल्कोहल की। तो इसको नोट डाउन कर लें। यस फ्रेंड, जो थर्ड प्रिपरेशन है वो हमारे पास है ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए स्टूडेंट, ऑक्सो प्रोसेस में हमारे पास क्या है, ऑक्सो प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि जो आपके पास है एल्कीन, ठीक है, यहाँ पर क्या है एल्कीन, एल्कीन में आप एडिशन करेंगे कोबाल्ट कार्बोनिल प्लस में एच टू। ठीक है स्टूडेंट, इसको साइन गैस भी बोला जाता है और वोटर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसकी एडिशन करेंगे और यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर जो आप कैटलिस्ट यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे कोबाल्ट डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, ये यूज करेंगे स्टूडेंट आप कैटलिस्ट, यहाँ पर डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल का यूज करेंगे। तो इसका काम क्या होगा स्टूडेंट, ये इसको आप देखो, यहाँ पर आपने किस सीओ प्लस में एच टू को ऐड किया, इसका मतलब एक कार्बन और यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड, इसकी फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की। और ये डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल, इसमें चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 CH4। देखिए स्टूडेंट, दो एच थे, एक एच तो यहाँ पे चला गया, और जब ये डबल सिंगल में चेंज हुआ तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से जो बना वो क्या बना, CH2 ग्रुप बना, यानी कि एल्डिहाइड में चेंज हो गया। अब आपने एल्डिहाइड से क्या बनाना है, एल्कोहल फॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। क्या करेंगे आप, हाइड्रोजनेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। तो देखिए स्टूडेंट, CH3 CH2 CH2 OH, ये आपके पास जो है फॉर्म हो जाएगा, यानी कि आपने इथीन से क्या बनाया, प्रोपेनॉल, क्या बनाया, इथीन से प्रोपेनॉल फॉर्म हुआ। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, कि आपने दो कार्बन से क्या बनाया, तीन कार्बन। ठीक है, तो देखिए आपने क्या लिया था, इथीन, दैट इज नोन एज साइन गैस, वोटर गैस, यू कैन से दैट कार्बोनिल प्लस में एच टू। तो एक एच इसके पास चला गया, सीएच टू चेंज हो गया किसके अंदर, सीएच थ्री में चेंज हुआ। उसके बाद आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल यूज कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। इसका काम, इसको चेंज कर दिया सीएच में, बट हमें एल्डिहाइड नहीं चाहिए ना, हमें प्रोपेनॉल नहीं चाहिए, हमें तो एल्कोहल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एच टू की एडिशन कर देंगे, इसकी एडिशन करेंगे, एच टू की एडिशन करेंगे, एच टू की एडिशन करेंगे, तो टू एच इसको चाहिए, ये ओ एच एज इट इज, तो यहाँ पर एच टू किसकी प्रेजेंस में, निकल। तो ये स्टूडेंट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपको दो कार्बन से तीन कार्बन आप यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप टू कार्बन से थ्री कार्बन की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू एड CO प्लस में एच टू, कार्बोनिल प्लस में एच टू, एच टू दैट इज नोन एज साइन गैस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? दैट इज नोन एज ऑक्सो प्रोसेस। ये क्वेश्चन ऑक्सो प्रोसेस के नाम से नहीं आएगा, क्वेश्चन अराइज होगा कन्वर्ट